हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय चैनल किंग ब्लूम एप्पल। आज हम बात करेंगे रूट बोरर और उसके रोकथाम के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूट बोरर या आप बोल सकते हैं रूट क्रॉप के बारे में और उसके रोकथाम के बारे में। रूट बोरर नाम का ये कीड़ा पौधे की जड़ों को खाकर नष्ट कर देता है और इसका लार्वा 2 से 3 साल तक जिंदा रहता है। अगस्त या सितंबर जब मानसून का टाइम होता है तब मादा द्वारा दिए गए अंडों से लार्वा निकल जाता है। ये अराउंड अपने पूरे लाइफ साइकिल में 200 से 300 अंडे देती है और यही उनको मारने का सही समय होता है। नौणी विश्वविद्यालय द्वारा एक शोध के अनुसार मेटराइजियम एनिसोप्लाई नामक एक केमिकल का प्रयोग करके हम रूट बोरर की संख्या को 85% तक कम कर सकते हैं। जैसे कि हम इस केमिकल को पौधे के तौलिये में डालेंगे तो ये जो रूट बोरर के कीड़े होते हैं इनके संपर्क में जब आता है ये केमिकल, उस संक्रमण के कारण ये लार्वा 2-4 दिन में मर जाते हैं। इस केमिकल का इस्तेमाल करते समय हमारे कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें इसके डोजेस किस तरह यूज़ करने हैं। हम इसको 10 से 15 ग्राम प्रति पौधे में डाल के, जो ये हमारा केमिकल है मेटराइजियम एनिसोप्लाई का जो पाउडर को छिड़काव करके हम अगस्त के महीने में तौलिया में किया जा सकता है। फिर तौलिया की गुड़ाई करके अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। अगर हो सके तो आप इसमें 1-2 किलो कच्चे गोबर के साथ भी डाल सकते हैं और तौलिये को हरी घास से ढक दे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा अगस्त के टाइम बरसात अच्छी रहती है तो उस टाइम पर्याप्त मात्रा की नमी होने के कारण जो ये हमारा केमिकल है ये तेज़ी से मिट्टी में फैलेगा और धीरे धीरे ये रूट बोरर के संपर्क में जब आएगा तो उन रूट बोरर को ये ग्रसित कर देगी। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि लार्वा पे हरे रंग का केमिकल की परत चढ़ी होगी। इसका मतलब वो हमारा केमिकल जो हमारा ये मेटराइजियम एनिसोप्लाई है ये उनके कांटेक्ट में आ गया और कुछ ही टाइम बाद वो हमारे को मृत अवस्था में बगीचे में मिलेंगे। दोस्तों जैसे ये रूट बोरर है इसको हम कुछ और दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं कंट्रोल, जैसे कि कुछ लोग लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए। जो लाइट ट्रैप है दोस्तों, उसमें जो भी आपकी बकेट होगी या जो भी होगा उसमें जो आपने पानी में होगा उसमें आप केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसमें मिट्टी तेल भी डाल सकते हैं ताकि आपकी वो जो रूट बोरर है वो उसमें ट्रैप होके मर जाए बाद में उग ना सके। दोस्तों, जो लाइट ट्रैप है एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस दिन बारिश हुई होगी उसके अगले दिन जब मौसम काफ़ी साफ होगा तो लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें। इसमें रहते हुए ये हमारे इस रूट बोरर की प्रॉब्लम को, हमारे पौधे को नुकसान से बचा सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को भी लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।